नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। शनिवार को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 10वें दौर की वार्ता हुई, जो करीब 16 घंटे तक चली। इस बैठक में दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख के बाकी इलाके, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग जैसे क्षेत्रों से भी सैन्य वापसी पर चर्चा की है। आपको बता दें, ये बैठक शनिवार सुबह 10 बजे LAC पर चीन की तरफ मोल्दो सीमा क्षेत्र में शुरू हुई, जो रात करीब 2 बजे तक चली। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस वार्ता में भारत ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और तनाव को कम करने के लिए हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग जैसे पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों से तेज गति से सैनिकों को वापस बुलाने पर जोर दिया। भारत और चीन में सीमा विवाद और सैन्य गतिरोध के लगभग 9 महीने हो गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले कई दौर की वार्ता में हुए समझौते के बाद दोनों पक्षों ने पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर क्षेत्रों से अपने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। इसके साथ ही अस्त्र शस्त्रों, अन्य सैन्य उपकरणों, बंकरों और अन्य निर्माण को भी हटा लिया है। ये प्रक्रिया पूरी होने के 2 दिन बाद भारत और चीन में कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता हुई। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी है कि हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग जैसे क्षेत्रों में सैन्य वापसी कैसे कराई जाए और इस प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आपको बता दें, पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर क्षेत्रों से सैन्य वापसी की प्रक्रिया 10 फरवरी को शुरू हुई थी, जो 18 फरवरी को पूरी कर ली गई थी। 10वें दौर की वार्ता का नेतृत्व भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल PGK मैनन ने किया था। PGK मैनन लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर हैं, वहीं चीन प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मेजर जनरल लियू लिन ने किया था। मेजर जनरल लियू लिन चीनी सेना के दक्षिणी शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच पिछले साल 5 मई को पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक संघर्ष के बाद सैन्य गतिरोध शुरू हुआ था, और फिर हर रोज बदलते घटनाक्रम में दोनों पक्षों ने भारी संख्या में सैनिकों और घातक अस्त्र शस्त्रों की तैनाती कर दी थी। गतिरोध के लगभग 5 महीने बाद भारतीय सैनिकों ने कार्रवाई करते हुए पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर क्षेत्र में मुखपारी, रेचिल्ला और मगर हिल क्षेत्रों में सामरिक महत्व की कई पर्वत चोटियों पर तैनाती कर दी थी। 9वें दौर की सैन्य वार्ता में भारत ने खास तौर से पेंगोंग झील के उत्तरी क्षेत्र में फिंगर 4 से फिंगर 8 तक क्षेत्रों से चीनी सैनिकों की वापसी पर जोर दिया था। वहीं चीन ने पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर सामरिक महत्व की चोटियों से भारतीय सैनिकों की वापसी पर जोर दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।